हाँ जी, ये तीनों लिंक मैंने आपको दिए थे। इसमें एक विनरार का भी था, एक विनरार का भी, ये इस तरह का था, ये वाला इस तरह का था। इसे डबल क्लिक करके पहले तो इसे इंस्टॉल कर लेना करें ना, ताकि आपके पास एक्चुअल इमेज में ये वाली चीजें शो होने लग जाए आपको, जब आप विनरार फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। हाँ जी, इसे इंस्टॉल करो सभी अभी, इस विनरार को इंस्टॉल करें, ताकि आपको इस शक्ल में फाइलें नजर आने लग जाए जब आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा। विन को डबल क्लिक करके यस का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करना लगे आप। जो भी इशू आ रहा है मुझे बताओ, आप क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, ओके करो, यस करो, इसे यस का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करो। ऐसे ऐसे छुट्टी कर देते हैं, ओपन होगी उसके अंदर और कोशिश करें अपने पास माउस लेके आए, वायरलेस माउस या वायर वाला माउस लेके आए, ताकि आपको चीजें बनाने में करने में आसानी आए। वायरलेस माउस अपने पास लाजमी लेके आया करें, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, की बजाय कि आप अपने लैपटॉप से पकड़े। अच्छा, किन बच्चों के अभी निकल के सॉफ्टवेयर शक्ल में आ गए हैं, कोरलड्रा, एडोब फोटोशॉप और इनपेज? विनर आपके हो गया, फोल्डर को आपने एक्सट्रैक्ट हिट कर लिया, ये इस शक्ल में आपके पास फोल्डर आ गए, ये एक, ये और एक, ये और एक, ये तीनों आपके पास आ गए। किसके पास आए हैं अभी, किसके पास नहीं आए मुझे बताओ आप। जो भी इशू होता है बिना झिझक आपने बताना है, कोई समस्या नहीं, यहाँ पे कोई तो भी लेकर खड़े हुए नहीं, मारते नहीं ऐसी आपने डाउनलोड कर लिया। जैसे आप जब आपने क्लिक पे क्लिक करना था ना, जो लिंक पे क्लिक करना था आपके पास अगले वाले टाइप में व्यू ट्रांसफर की वैसे जैसे खुली हुई ऐसे डाउनलोड होने लग जाएंगे। सिंपली ऐसे जब मैंने कंसल्ट किया सभी को ऐसे इंस्टॉल करना था। अब आपने पता क्या करना है, आपको मैं यूएसपी देता हूँ, टाइम बचे आपका, मैं यूएसपी देता हूँ आपको। इसके अंदर तीनों सॉफ्टवेयर है, ये इसे कॉपी करो, यूएसपी पड़े तो जल्दी से कॉपी करो, ताकि अब जाके आप घर लिंक देखो, फिर डाउनलोड करो, फिर खपो, फिर ये काम खराब हो जाएगा। हाँ जी, क्या बना? डाउनलोड होने में भी उसको टाइम लगेगा, इसे आप कैंसिल करो। हाँ जी, एग्जैक्ट हेयर कर लीजिए, जैसे सभी ने ये एक बढ़िया देखा, ये देखो सभी लोगों ने इस तरह कर लेने, आपने जिस तरह निकल के बाहर नहीं आ गए आपके फोल्डर, सेम मेथड आप कर लीजिए सभी ने। आज के दिन आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया ना, तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे वो वाला बैच हो गए जो सबसे ज्यादा फास्ट है, मेरा जो अभी रिसेंटली बैच चल रहा है ना सुबह के टाइम क्लास वाला, उनसे सॉफ्टवेयर सीधे पर बैच मिल रहा है। और आप वो बच्चे जिन्होंने माशाल्लाह दूसरी क्लास में अपने, तीसरी क्लास में अपने जो है ना, एक
विंड्रार नहीं है आपके पास, विंड्रार नहीं है, विंड्रार नहीं है, पहले सबसे पहले आप ये फोल्डर कॉपी करोगे, जरूरत नहीं विंड्रार की है कोई मतलब, ये तीनों को सिलेक्ट करके तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करोगे, ये हां जी क्या बना ओके मैंने आपको स्पेसिफिकेशन सेंड करनी थी कि नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहा होनी चाहिए। मैंने मैसेज को ना टार किया हुआ है, व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूंगा मैं। कम से कम ना हम लोग कहते हैं ना i3 i5 i7 ये बहुत हैवी होना चाहिए, और जनरेशन तो माशाल्लाह से 11 होनी चाहिए ना हमारी। ऐसा कोई मसला नहीं है आपको, आपने i3 प्रोसेसर लेना जो है प्रोसेस, और उसकी जनरेशन 5 ले ली है कम से कम, राउंड अबाउट लिख लें इस चीज को अभी। i3 फिफ्थ जनरेशन वो तो फिर सोने पे सुहागा ना, अगर ज्यादा है तो i3, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, ज्यादा होगी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 16 या 8 GB रैम आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, 4 होगी ना तो आप खप जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, हेल्ड हो जाएंगे, चल उसमें भी जाएंगे नो इशू, लेकिन आप बढ़ा ले कंफर्टेबली अगर काम करना चाहते हैं, स्कून पे इन्वेस्ट करें जो मैंने बताया था आपको। अच्छा 16 या 8 GB रैम है, 500 GB इसकी हार्ड है, ये कम से कम बता रहा हूँ आपका डाटा, आपको कंफर्टेबली रहेंगे आप। अच्छा उसकी आपने 500 GB उसकी आपने रखनी है हार्ड, और SSD उसकी रखनी है आपने 120 या 220 राउंड अबाउट। SSD सिर्फ विंडो के लिए होती है आपको पता है। अच्छा SSD उसकी इतनी रखनी है आपने, और 500 GB उसकी आपने हार्ड रखनी है, बाकी डिस्प्ले आपने अपनी मर्जी से देखना होता है, बड़ा लेना है छोटा लेना है, नम की पैड वाला नम की पैड के बगैर लेना है आपने, वो आप पे डिपेंड करता है, और ब्रांड्स वो भी आप पे अपनी मर्जी में, आपकी जो सा मर्जी ले लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने HP का लेना, डेल का लेना, ये लेना वो लेना, ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है, ब्रांड आप जो सा मर्जी ले लें। लेकिन मैंने आपको सिंपल इसमें ना कोई ग्राफिक कार्ड बोला आपको, ना मैंने आपको कोई और चीज बोली इसमें कि विंडो 7 करो ये करो, लेकिन विंडो सिर्फ 10 करनी है आपने, क्योंकि उसमें आपके सॉफ्टवेयर चलेंगे, कोरलड्रा हो गया, अडोब हो गया, और बाकी सारी चीजें होगी, विंडो आपने 10 ही करनी है, विंडो 10 करनी है आपने, और बाकी जो स्पेसिफिकेशन आपको मैंने ये लो से लो स्पेसिफिकेशन बताई है, बिल्कुल लो से लो, बाकी आप अपने शशके के लिए जितना मर्जी हैवी बनवा ले वो आप पे डिपेंड करता है।
अच्छा ये सबसे पहले अब खैर दो तीन बच्चे रह गए उनके बाद में हो जाएंगे, लेकिन सभी लोग अपना ये फोल्डर ओपन करें एडोब का इस तरह। हो गए कॉपी से आपके भी कॉपी हो गए दोनों? इसे ओपन करें, इसमें आपको ये सेटअप आएगा नजर। सभी लोग इस स्टेप पे पहले आ जाए, इस स्टेप पे जो मैंने खोला हुआ है ये स्टेप पे आ जाए। हैं कितनों का ये स्टेप ये किया हुआ अपन आपने, कितने बच्चों ने आपने किया, कितने आपने किया हुआ सेटअप पे आ गए। और आप चले सेटअप पे डबल क्लिक करो, आप सभी लोग इनके पास सेटअप हाँ जी रन करें, इसे ओपन करके इसे चलाएं, इंटर करके सेटअप रन कर। इस पे तो विंडो, इस पे तो फोल्डर भी नहीं होगा विंडो 10 पे ये डबल क्लिक करके इसके ऊपर आपने सिंपली इंस्टॉलेशन लगा देनी है, सेटअप को रन करना है आपने। आज आके मसला मसाइल अगर आता होता है ना तो वो कोरल ड्रा पे आता होता है, उसे इंस्टॉल करने में। कोरल ड्रा आपने इंस्टॉल करना है, उसका क्रैक वर्जन है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक कोरल ड्रा के फोल्डर में आए, कोरल ड्रा के फोल्डर आके आपको ये हाउ टू इंस्टॉल का एक टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, इसे ओपन करें। इस पे सारा मेथड लिखा हुआ, आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है। अब मैं चीज आपको एक बता दूं कि आपने नेट अपना बंद रखना है जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, नेट आपने अपना ऑन नहीं रखना। अगर नेट आपका चल रहा है तो उसे बंद कर ले, नेट आपने अपना बंद रखना है। इसमें आपको ये सारा ना ये प्रोसीजर बताया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, कैसे आपने इंस्टॉल करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अच्छा वो अडोब हो रहा है इंस्टॉल सभी की, अडोब हो रहा है इंस्टॉल। विंडो 7 है, आप विंडो 10 करो, आप भी विंडो 10 करो और आप भी विंडो 10 करो, विंडो 7 से बाहर निकलो। विंडो 10 विंडो 7 पे ना आपकी इस वक्त गूगल पे जो अपग्रेडेशन आई हुई ना विंडो 7 पे वो ही नहीं आ रही। ऊपर बड़ा सारा टैग उसने डाला हुआ है गूगल ने कि भाई अपनी विंडो को अपडेट करो अगर मेरी अपग्रेडेशन हासिल करना चाहते हो आप, मेरे फ्यूचर लेना चाहते हो आप, तो विंडो 7 पे उसकी अपग्रेडेशन ही आना बंद हो गई हुई है। तो उसकी ना जो है वो विंडो 10 कर दिया Thank you.
हो गया इंस्टॉल। इस तरह आपको एप्लीकेशन नजर आ रही होगी डॉक पीए सबसे ऊपर आगे नजर। अब इसे आपने ओपन करना है और जब ये इधर ऑप्शन शो हो जाएगा आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे पेन टू टास्क बार कर देना है इस एप्लीकेशन को करें। क्या करना है राइट क्लिक करके ना नीचे जब टास्क बार की आपकी एप्लीकेशन ये जो इस तरह शो होने लग जाएगी राइट क्लिक करके आपने इसे पेन टू टास्क बार कर देना है पेन फ्रॉम टास्क बार। यस करो कर दो यस करना कि इंस्टॉल कर रही है इंस्टॉल करना सबसे बड़ा कदम है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपका तो यू आर अप टू डेट हो आप वो तो वैसे आपको कहता होता है विंडो लैंग्वेज के लिए आते हैं इधर एम प्रोजेक्ट के हम लोग कुछ सुनना शुरू कर देते हैं बात कम से कम डेट की रैम उस डेट की रैम करो आप खास चेंज नहीं आप उसके लोगों के पास इसकी 8GB रैम करते 4GB रैम में आपकी सिस्टम की सेटिंग ही थोड़ी सॉफ्टवेयर तो क्या चलेगी सिस्टम की जो सेटिंग होती है ना वो ही ओपन हो रही फिर कोई सॉफ्टवेयर चार्ज करोगे तो वैसे ही इसने मर जाना है। हाँ जी वो हो गया ये अपडेट आ गई अपडेट अब ये सारी अपडेट आपकी पड़ी हुई ये अपडेट करोगे आप फिर आपका सारा सिस्टम चलना है इसने अपडेट में भी अच्छा खासा टाइम ले लगेगा आप मोबाइल से नेट यूज कर रहे हो आप जाओगे आप इस तरह कितना रह गया नेट बंद है ना सभी लोग अपने इन पेज पे आओ इन पेज वाले फोल्डर पे वो तो आप सभी के हो जाएगा विंडो 7 वाले भी हो तो आपके हो जाएगा लेकिन खैर आपको करने का फायदा नहीं जब आपने विंडो इंस्टॉल दोबारा से करवा लेनी तो फिर आपका ये भी उठ जाएगा। अच्छा ये इन पेज का फोल्डर सिर्फ आपने इस तरह ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना सिर्फ यहाँ पे ओपन करो। सभी लोग ओपन कर लिया ओपन करके अपने कीपैड से आपने IN लिखना है
क्या हाल है? ठीक हो? बस ठीक हो गया ऊपर अच्छा, ये इसे इसे ओपन करें इन पेज को, जो मैंने आईएन से ये आया ना ऊपर ये वाला, इसे इंटर करके ओपन करें। आपको तीन ऑप्शन आएंगे ओके ओके कि आपने 3 दफा ओके ओके करना है। इन पेज पूरा जो आ नहीं आजी भाई, नहीं आजी भाई, नहीं आजी भाई। हाँ जी, से ओके करना आपने जो ऑप्शन आ रहा है। आपने डोंट रन करना, रन करो। ये देखो, ये इस तरह के ऑप्शन आएंगे आपको ओके के, 3 दफा ऑप्शन आएंगे, आपने तीनों दफा ओके 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 करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इस पैनल पे आ गए, ये जो पैनल है आपका, इस पैनल पे आपके थोड़ा सा 5-7 मिनट लेगा आपके ओपन होने में। इस पैनल के जाते ही आपके उसके बाद फिर ये छोटा सा एक पैनल आएगा ओके का, आपने उसे भी ओके करना, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हाँ, ये वाला पैनल आ जाएगा, इसे आपने सिंपली ओके करना है, ये ओपन हो जाएगा सभी के इंस्टॉल, ये हो जाएगा। इसे भी नीचे पैन फ्रॉम टास्क बार है, ऑप्शन आएगा फिर से पैनल आ जाएगा, उसके बाद अगेन आपने छोटा सा ऑप्शन आएगा फिर से आ जाएगा। ये वाला पैनल सबके पास ओपन होना हो जाएगा, ऐसे शो होने लगा सभी को। अब आपने क्या करना है, आपने अगर किसी के पास सिस्टम है तो सिस्टम से F8 करना है, या लैपटॉप है तो फंक्शन कीज जो आपका विंडोज के साथ नजर आ रहा है FN आपको, उसे प्रेस करके आपने F8 प्रेस करना है, आपका व्यू इस तरह फुल हो जाएगा। F8 प्रेस करना है सिंपली, FN के साथ प्रेस करके, हाँ फंक्शन बटन को F8 कर गया, फुल व्यू हो गया। इस तरह इधर से देखो, ये देखो, ये व्यू में जाओ, व्यू में जाके 200% कर दो व्यू इसका, वो भी फंक्शन F8 वाला ही है। कंट्रोल एन करके पहले व्यू तो करो, ये देखो यार, वहां से ये देखो, ये जिसके आ रहा है ये वाला, पहले कंट्रोल एन करके न्यू करो, अगर नहीं किसी के आ रहा बोलो सही, आप बोलते नहीं हो। ये देखो, ये इस तरह आ रहा है ना, सभी के जहां तक आ रहा है कंट्रोल एन किया आपने, ये एक आ गया न्यू डॉक्यूमेंट्स का, इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ये जब ओपन हो जाएगा तो आपने इसका फुल व्यू लेना, फुल व्यू आपने यहाँ तो अपने माउस से आप यहाँ से फुल व्यू पे 200% कर दें, या सिंपली अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दें। ये ऐसे करके सभी लोग ये वाला पैनल ओपन करें, सभी अपने सारे इन पेज अपना ओपन करें ऐसे। अब सभी को मैसेज चैटिंग तो लाजमी आती होगी, मैसेज चैटिंग जैसे करते हैं, आपको पता है कि कौन से इंग्लिश के लेटर से
कौन से अल्फाबेट से कौन सी उर्दू की आवाज निकलती है, चैट में जैसे आप मैसेज चैटिंग करते हैं सेम ऐसे यहाँ पे उर्दू भी लिखते हैं आप। अच्छा सभी लोग ये ओपन कर लें, ऐसे हो गया yes, अब आपने जाना है एडिट पे, सेकंड ऑप्शन आपको आ रहा नजर एडिट, एडिट पे क्लिक करें, सबसे लास्ट पे आ जाए प्रेफरेंस पे, इसके बाद सबसे नीचे आ जाए कीबोर्ड प्रेफरेंस पे, क्लिक करके ये पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास, हो गया। अब ये फोनेटिक्स पे आ गया, आपने फोनेटिक्स कर देना है, यहाँ पे आपको कुछ और आ रहा होगा, आपने फोनेटिक्स कर देना है, ये सेटिंग है इसकी थोड़ी सी। एडिट पे जाना है, लास्ट पे बिल्कुल प्रेफरेंस पे, इसके भी बिल्कुल लास्ट पे कीबोर्ड प्रेफरेंस पे, आपने यहाँ पे फोनेटिक्स कर देना है। सबसे छोटा और सबसे इजी इंस्टॉल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है इनपेज आपका, इसलिए मैंने आपको आज अभी सबसे पहले इनपेज इंस्टॉल करवा दिया, तो कि हमारा जो है वो काम टाइम वेस्ट ना हो, जो काम करने वाला हम वो कर लें इजीली। अच्छा ये फोनेटिक्स पे सभी ने कर लिया, बस ठीक हो गया, डन हो गया, ये आपके इनपेज की टोटली सेटिंग हो गई है। अब इस पे टाइपिंग कैसे करते हैं, फाउंट कैसे चेंज करते हैं, इसकी मजीद इसकी सारी जो सेटिंग वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इसको आप छोड़ें, अभी आप मिनिमाइज करें, आप अपने कोरल ड्रा वाले फोल्डर पे आए, पहले आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। हाँ जी ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, मिनिमाइज कर दो ना इसे। कोरल ड्रा इंस्टॉल करते वक्त ये बड़े नखरे करता है, तो इसे बड़े ध्यान से इंस्टॉल करना आपने। एक तो सबसे पहली बात ये कि आपने अपना नेट बंद कर देना है, ये जो इसका ऑप्शन आ रहा है ना नजर आपको हाउ टू इंस्टॉल, ये वाला अनपैक डिसेबल इंटरनेट एंड लॉन्च सेटअप लॉन्चर, आपने सबसे पहले अपना इंटरनेट जो डिसेबल करना है, और डिसेबल करने के बाद आपको ये सेटअप नजर आ रहा होगा, इसे आपने डबल क्लिक करके रन कर देना है। रन करने के बाद आपने सबसे पहले आपने नेट बंद कर दिया, अपना नेट कर दिया बंद, उसके बाद ये वाला जो आपके पास सेटअप है इसका, इस पे डबल क्लिक करना है आपने, आपके पास लोडिंग वाला पैनल ओपन हो जाएगा, ये लोडिंग का थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग का टाइम लेने के बाद आपके पास ये सेटअप रन कर दो। अब आपने कल को विंडो करवा के लेके आनी हर हाल में, आपने भी और आपने भी, या अभी चले जाना रेक्सिटी आप करवा के, तो फिर लेके आना हर हाल में। तो जो चीजें आपको सीखने की मिलेगी उनका क्या करना है, कहता फारे की बैठा चले जाओ रन करो इसे। हाँ जी इसे आपने करना है जी, यही करना है, देखते हैं सर नेक्स्ट करें, सबसे ऊपर मॉडिफाई वाला ऑप्शन आ रहा होगा, सबको रन कर दें, इंस्टॉल नाउ कर दें, इंस्टॉल हो गया, सर कर दें, हाँ जी सर बस ठीक है, ऐसे ही हो गया दो। अब आपने जो नेक्स्ट काम करने वाला है, जो दूसरा पता क्या काम है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, जब ये सारा सेटअप हो जाएगा, आपने इसे ओपन नहीं करना, बिल्कुल भी ओपन नहीं करना, इंस्टॉल हो गया, जब आपसे ये कहेगा फिनिश इंस्टॉलेशन खत्म हो गई है, सक्सेसफुली हो गई है, आपने सिंपली इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपके पास जो ये हाउ टू इंस्टॉल वाला जो आपके पास पैनल है, ये आपको बता रहा होगा कि आपने प्रोग्राम फाइल में जाना है, कोरल ड्रा में जाना है फोल्डर में, वहां पे ये फोल्डर पड़ा होगा और उसके बाद ये फोल्डर पड़ा होगा, ये आपको जहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ना सी ड्राइव में आपकी, ये उस जगह की लोकेशन बता रहा है, उस जगह की लोकेशन बता रहा है। आपने क्या करना है, गो इन टू
cracked folder and copy the file in the following path. ये cracked folder है आपका, ये मैं आपको advance में बता रहा हूँ, अभी software install होने दे, इधर देखें तब तक आप, ये cracked folder में जाना है, ये कुछ keys पड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है, ये वाली keys पड़ी हुई हैं, ये इस तरह, इनको आपने control C करके copy करना है, ये right click से copy करना है, copy करने के बाद आपके पास जो how to install वाला panel आपने open किया हुआ था, उसमें बता रहा है कि आपने सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है, कोरल ड्रा में जाना है, साथ साथ को मैं जाके दिखाता हूं, ये देखें, अगर मैं यहां से कोई भी फोल्डर ओपन करूं तो ये रही मेरी सी ड्राइव, ऐसे सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम डाटा, सॉरी प्रोग्राम फाइल, ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी प्रोग्राम फाइल में जाना है, ये हमारी प्रोग्राम फाइल पड़ी हुई है सी ड्राइव में, ठीक है, सभी को समझ लग रही है, सी ड्राइव में जाके आगे ओपन करना है, यहाँ पे ये कोरल का फोल्डर, क्या कह रहा है जी, आगे आपने जाना है जी कोरल के फोल्डर में, ये आपका कोरल ड्रा का फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे जाना आपने, ये आगे नजर आ रहा है आपको, ये वाला पी ए एस एम यू यूटिलिटी, ये आपका फोल्डर पड़ा हुआ है, ये वाला, इसे आपने क्लिक करना है, और इसके अंदर कह रहा है जी वी वन का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी, ठीक है, यहाँ पे आपने जो ये वाली चीज कॉपी की थी यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देनी है, सिंपली बगैर ओपन किए और बगैर नेट ऑन किए। इससे क्या होता है कि अगर आप ये अमल नहीं करते क्रैक विजन वाला, अगर आप ये नहीं करते तो आपका सॉफ्टवेयर जो है कोरल ड्रा वो सिर्फ ट्रायल बेस पे इंस्टॉल होगा, सिर्फ 15-20 दिन के लिए, वो जब भी आप ओपन करेंगे, ये जिस तरह अभी इंस्टॉलेशन वाला एक पैनल नजर आ रहा है ना आपको, इस तरह का एक पैनल ओपन हो जाएगा, और वो आपको नीचे दिन बताता रहेगा कि आपका ट्रायल इतने दिन का रह गया, इतने दिन का रह गया, इतने दिन का रह गया, और 15 दिन बाद आपका सॉफ्टवेयर फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, और वो दोबारा से फिर जब आपसे ईमेल मांगेगा या आपको तंग करेगा तो फिर आप अपनी ईमेल लगाओगे, वो आपको ईमेल पे भी आपके सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपने ट्रायल कर लिया था इंस्टॉल अब इस ईमेल पे, लिहाजा परचेज ही करें तो फिर ही होगा ये, तो इसलिए आपने ओपन नहीं करना, सॉफ्टवेयर को क्रैक कॉपी कर देना है जी। ये ग्रुप में किसी और बच्चे ने भी, आपने भी मेरे ख्याल से किया हुआ था सेंड मुझे कि सर ये ईमेल मांग रहा है, वो ईमेल इसी वजह से आपके मांग रहा होता है कि जब आपने डेटा भी आपका ऑन था, सारा कुछ ऑन था, आपने एडवांस लेवल की करना चाहा लेकिन वो एडवांस आपको उल्टा ही पड़ गया, उसे एप्लीकेशन में जाके आप अनइंस्टॉल कर दो और दोबारा से इसको रन को भगाओ। इसे जब आपने एप्लीकेशन में जाना ना, अपने सेटिंग में जाओ, जो आपकी एप्स है वहां पे जाके इस तरह यहाँ पे आपके पास ये ऐप है,
यहाँ पे आ रहा नीचे गए से यहाँ पे कोरोना आ रहा हो ये यहाँ पे सर्च करना नीचे का ये आ उसे राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर दी यहाँ पे टेस्ट करने का इंटरनेट क्यों मांगता है इंटरनेट तो मांगते नहीं हूँ फोन करते फिर यहाँ पे टेस्ट कर कंट्रोल वी से वो वी वन का फोल्डर में करना है वी वन वाला फोल्डर जो क्या पे आ रहा है हाँ आप ईमेल लगा के कर दो फाइनल कर दो हाँ कर दो अभी आप सॉफ्टवेयर अपना ओपन करो और पेंट फ्रॉम टास्क बार करो वो क्रैक वाला कॉपी कर दिया था आपने वो क्रैक वाला फोल्डर आपने कॉपी कर दिया था कि वो तो कोरोना का फोल्डर है फोल्डर ओपन नहीं ना किया वो उसको कॉपी करो जो क्रैक वाले फोल्डर में आपकी कीज पड़ी हुई ना ये जो पड़ी हुई थी सर ये आगे प्लीज कैंसिल आप दोबारा से आप कर रहे हो ये तो आपने दोबारा से रन किया होगा उसे एरर कर रहे हो तो रेस्टी कर दो ये तो आपने दोबारा से रन कर दिया होगा इतना हैवी सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होने में सिर्फ 2-3 मिनट लेता है और आपको इंस्टॉल हो जाता है बड़े अच्छे से क्योंकि कोरलड्रा जितना उसका बच्चा है इतना ही मुश्किल आपको इंस्टॉल होता है ये तंग करता है आपको यही वही मसला आ रहा है एक हो गए आप और एक आप और एक आप आपको पता क्या करना है आपको ना एक में रेक्सिटी में ना शॉप रेकमेंड करता हूँ आपने वहां जाना है आपके वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देंगे और आपकी विंडो भी इंस्टॉल कर देंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के वो सिर्फ ना आपसे अगर वो कहेंगे ना कि सिर्फ आपने इंस्टॉल करवाना है तो वो सिर्फ आपसे 50 रुपए लेंगे और अगर आपने कहना ना कि ये भाई हमें सॉफ्टवेयर कॉपी भी कर दो ये वाला जिस तरह मैंने आपको दिखाया हुआ ये वो आपको कॉपी भी कर देंगे और आपसे सिर्फ 150 रुपए लेंगे आपसे 150 रुपए लेंगे बस आपने जाना बदला कहा है ये जो चैनवर रोड वाली गली रेक्सिटी को नहीं जाती जो मदीना वो ये जो क्या है वो फुटबॉल वाला ग्राउंड हो गया उसके सामने अल फताह ग्राउंड के बिल्कुल सामने गली रेक्सिटी को जा रही है वो गली बिल्कुल रेक्सिटी के जो सामने गैलरी है ना उसको नहीं आपने उसके साथ जो गैलरी है उसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में स्टार लिंक्स के नाम से है आए हो ना ये देखो ये सॉफ्टवेयर ईमेल वाले पेज उससे पहले करना है ये है आपका जनाब स्टार वर्ल्ड के नाम से है वो कंप्यूटर वाले की शॉप वहां पे ना एक
ये साथ ही इधर बिल्कुल रेक्स सिटी आपने जाना है, इसको साथ ले जाना लाजमी, आप भी इसके साथ जाके विंडो करवा लाना, और कोरोड्रा भी उनसे फौरन करवा लो ना, आपको फौरन फौरन कर देगा वो। हैं तीनों ना बेशक करवाना, आप सिर्फ आपने कोरोड्रा करवाना है उनसे, आपने ना अडोब करवाना है और ना ही आपने करवाना है इन पेज, आपने सिर्फ उनसे कोरोड्रा इंस्टॉल करवाना है बस। उन्होंने कहना भाई हमारा कोरोड्रा इंस्टॉल कर दो, विंडो आपने करवानी वो तो उसको अलहदा हो गया ना, वो उसमें सारी सूरत हाल होगी। कॉपी करने के बाद क्या करते, बस कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लो, नेट अपना ऑन कर दो, क्लिक करो ओपन होगा इस तरह, जैसे ये ओपन हुआ हुआ मेरे पास, हो गया ओपन कोरल ड्रा। ये वाला कोरल ड्रा करना है आपने, कोई और कोरल ड्रा ना ओपन कर लेना, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है कोरोड्रा 2018 64 जीबी बिट आ रहा होगा आपके, उसके साथ कुछ ये वाली भी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है, इनको नहीं आपने ओपन करना, ये जो कोरोड्रा की ये वाली एप्लीकेशन है इसको आपने ओपन करना है। कोरोड्रा 18 आपने 18 करवाना है, X8 भी इसे कहते हैं, और इसे 18 आपने X8 नहीं कहना, उसने X8 की बजाय ना आपको 8 वाला कर देना है, कोरोड्रा आपने 8 वाला नहीं करवाना, वो 8 वाला नहीं करवाना, आपने X18 18 वाला करवाना है, बस उन्हें ये कन्फर्म कर देना, आपने X कहना ही नहीं उसे कि भाई मुझे X8 कर दो, आपने कहना है कि मुझे कोरोड्रा 2018 कर दो बस 64 GB। ये हुआ अपन एप्लीकेशन हुई किसी तो फाइल के लिए है, नहीं है आपने उसे रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना क्या हुआ मैंने इनका कोरोड्रा कनेक्ट, ये आपने ये ना ओपन करना, मैं बता रहा हूँ आपने ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, ये वाली नहीं ओपन करनी, ये वाली ओपन करनी है पेंसिल वाली, जो आपको लोगों ने बता रहा हूँ कंट्रोल एंटर के साथ
ओके कर देना। अब ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके इस तरह ओपन हो गए, इन पे जाइए, कोरल ड्रॉ इस तरह और अडोब फोटोशॉप का इस तरह। तो ऐसे हुआ तो सबसे ऊपर आपको पीएस का लोगो नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करो, ये इस तरह हुआ ना अगर आपका, तो इस पीएस पे क्लिक करो इस तरह, ये इस तरह हो जाएगा।